किसान सम्मेलन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए बक्सर नगर भवन पहुंचे। साथ में केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने विशाल पुष्पमाला से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश के किसानों के हित में जो बिल लाए हैं वो किसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। रूप से देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के किसानों के हित में जो बिल लाए हैं और उस बिल के विरोध में जो पंजाब के जो तथाकथित किसान के नेता हैं और वो विरोध कर रहे हैं और एसी तंबू में बैठकर विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किसानों के वे कितने बड़े नेता हैं। और वास्तव में इस तरह के बिल भारत के किसानों को नया आयाम दे रही है। जो बदले परिवेश में जो हमारे किसान हैं उन्हें और अच्छी आमदनी होने वाली है। अगर वो किसी को जमीन किसी कंपनी को भी विशेष फसल के उपजाने के लिए अगर देते हैं तो उससे उसका लाभ होगा, उससे न उनका स्वामित्व का स्थानांतरण होने वाला है और न ही उनका कोई स्वामित्व तो बदलने वाला है, न उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य होगा। और जान लीजिए कि इसमें भारत में जो तथाकथित जो किसान के नाम पर जो बिचौलिए हैं, जो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, उस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। शेष भारत के अन्य राज्यों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और वहीं चौबे ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि पप्पू लप्पू गप्पू चुप्पू ने बिहार और देश के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। दो प्रश्नपाल में ही किसान ने विरोध भी जताया है आपके सामने जी के पीछे। किसी ने विरोध नहीं जताया है, उन्होंने कहा है, उनकी इंतजार भी वो कर रहे हैं। विरोध नहीं, उन्होंने इच्छा प्रकट किया है कि ये काम होना चाहिए, होगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। एक दिन में नहीं होगा, वो निश्चित रूप से होगा। उनके गांव के अंदर भी जो फसल है उसका उचित कीमत मिलेगा, इसमें कहीं दो किसानों को विपक्ष भरमा रहा है। ठीक कहा, विपक्ष भरमा रहे हैं, उनके मैटरनिटी पेन उनको हो गया है। और ये पप्पू और लप्पू और गप्पू और सप्पू ये बिहार को और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये किसान के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति रोटी सेकने का कोई जरूरत नहीं है। आँख रोने का मन तो आँख में गड़ा खुट्टी। किसान का उचित दाम मिलेगा, 2022 तक किसानों का आय दुगुनी होगा और MSP प्राइस जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है वो MSP प्राइस लगातार बना रहेगा। कोई मंडी नहीं तोड़ा जाएगा, मंडी को और सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। और इसलिए उनका मुँह काला जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, जल जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। गलत काम करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे गलत काम करेंगे, सबको जेल जाना पड़ता, हम तो जेल गए थे सही काम। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला पुलिस के द्वारा ब्रह्मपुर से लेकर बक्सर जिला तक कड़ी और चाक चौबंद व्यवस्था के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस मौके पर जिला महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मुखिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।